नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कब्ज की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन करने वाली 100% सेफ आयुर्वेदिक औषधि, जिसका सेवन करने से यह समस्या जड़ से ठीक होती है। दोस्तों, आजकल बाजार में पेट साफ करने वाले बहुत सारे चूर्ण, टेबलेट्स आदि अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर में किसी न किसी प्रकार का कोई हानिकारक औषधि कंटेंट रहता ही है, जो आंतों को नुकसान तो पहुँचाता ही है, लेकिन साथ में इसकी आदत भी पड़ जाती है। तो ऐसे समय में आदत ना हो ऐसा और 100% सेफ आयुर्वेदिक प्रयोग में आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी प्रश्न हो, चाहे हेल्थ के बारे में हो, डिजीज़ के बारे में, डाइट या लाइफस्टाइल के बारे में कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। हम अपने 15 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस और आयुर्वेद की ऑथेंटिक बुक्स के आधार पर उसका उत्तर देंगे, वीडियो बनाकर हमें पब्लिश करेंगे। ऐसे कि आज का जो प्रश्न है वो हमारे व्यूवर्स मोनू सिंह जी ने, ओवेस खान जी ने, पिंकी जी ने आदि ने पूछा था कि कब्ज में हरड़ का प्रयोग करने की विधि क्या है। दोस्तों, जो मैं आपको औषधि बताने वाला था कब्ज में, ये है हरितकी यानी हरड़। हरितकी पथ्यानाम ऐसा महर्षि चरक ने बताया है, यानी कि हरितकी जो है वो हमारे आहार द्रव्यों की तरह काम करती है, हमारे भोजन की तरह पथ्य है। इसको लंबे समय तक बगैर किसी नुकसानी के सेवन कर सकते हैं और इसके अनगिनत फायदे हैं। ये हमारे शरीर में बल की वृद्धि करती है, पाचन को, अग्नि को ठीक करती है, साथ में पेट को साफ लेके आती है, वायु को बाहर से निकालती है। ये बहुत सारे इसके गुण हैं। यहाँ तक कि हरड़ जो है वयस्थापन बताई गई, यानी कि ये बुढ़ापे को आने से रोकती है, हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा पोषण देती है। हरड़ दो प्रकार की बाजार में अवेलेबल रहती है, एक छोटी हरड़ रहती है जो कच्ची है और एक बड़ी हरड़ रहती है जो बड़ी और दल के रूप में मिलती है। हमारे यहाँ पे मैं जो भी प्रयोग बताने वाला हूँ इसमें बड़ी हरड़ का उपयोग करना है। छोटी हरड़ जो है उसमें कोई भी रसायन गुणधर्म नहीं रहता है, जबकि बड़ी हरड़ जो है वो सबसे अच्छी और पौष्टिक रहती है। हरितकी का एक सबसे बेस्ट गुण है कि वो वायु को नीचे से निकालती है, यानी अनुलोमन करती है। वात अनुलोमन करने के कारण ही हरड़ जो है वो हमारे पेट में पके हुए डाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालती है और आंतों को पोषण देती है, वायु को निकाल देती है, जिससे पेट साफ हो जाता है। तो हरड़ के 3 अलग अलग प्रयोग जानने से पहले सबसे पहली बात बड़ी हरड़ का प्रयोग करना है। दूसरी बात, हरड़ की चूर्ण की मात्रा कितनी रहनी चाहिए। ज़्यादातर जो है ये 2 से 5 ग्राम जितनी होनी चाहिए। ये मात्रा हमें अपने पेट के अनुसार तय करनी है, मात्रा उतनी रखनी है जिसमें 1 से 2 बार में अच्छा पेट साफ हो जाए। तीसरी बात, हरड़ का प्रयोग सुबह भूखे पेट बिना कुछ खाए करना सबसे बेस्ट है। अगर आप इस समय प्रयोग नहीं कर पाते हैं या कोई आपको मुश्किल रहती है तो रात को सोते समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हरड़ के प्रयोगों के बारे में। सबसे पहला और सबसे बेस्ट प्रयोग जो बहुत सारी संहिताओं में, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, सब में दिया गया है, ये प्रयोग है गुड़ हरितकी प्रयोग, यानी कि देसी गुड़ के साथ हरड़ के चूर्ण को लेना। कैसे लेना है? 1 चम्मच देसी गुड़ 1 गिलास पानी में भिगो के रखिए, साथ में 1/2 से 1 चम्मच हरड़ का चूर्ण भी भिगो के रख दीजिए। पूरी रात भिगोने के बाद सुबह उसको गुनगुना गर्म करके भूखे पेट पीने से ये सबसे बेस्ट काम करती है। दूसरा प्रयोग, कई लोगों को डायबिटीज़ है, भूख ठीक से नहीं लगती हो, पेट में बहुत ज़्यादा आफरा रहता हो और गले में चिपचिपा कफ रहता हो, तो उसमें गुड़ की जगह जो है दूसरे प्रयोग हम करते हैं, उसमें हरड़ 100 ग्राम लीजिए। 100 ग्राम हरड़ के चूर्ण में 50 ग्राम जितना अजवाइन का पाउडर मिलाइए और उसमें 20 ग्राम जितना काला नमक मिलाइए। ये पूरा एक चूर्ण मिलकर तैयार हो गया। इसमें से 1/2 से 1 चम्मच चूर्ण सुबह भूखे पेट 1 कप गर्म पानी में अच्छी तरह घोल दीजिए और इसको पी लीजिए। यही प्रयोग आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं। हरड़ का तीसरा प्रयोग है उन लोगों के लिए कि जिनको गर्मियाँ रहती हैं ज़्यादा, जिनकी पित्त की प्रकृति है और एसिडिटी, जलन आदि का समस्या रहती है। ऐसे पेशेंट में हरड़ का प्रयोग मिश्री और काली मुनक्का के साथ करना चाहिए। 1/2 से 1 चम्मच हरड़ लीजिए, उसमें उतना ही मिश्री का पाउडर मिलाइए और 5 से 10 नंग जितने मुनक्का को साथ चबा के खाइए और ऊपर गर्म पानी पीजिए। ये सुबह भूखे पेट या रात को सोते समय करने से पेट के लिए बहुत ही उपयोगी है और पेट साफ हो जाता है। दोस्तों,
एक खास बात याद रखनी है, अगर आपको मल बहुत ही हार्ड होता हो, कठिन हो और ड्राई हो जाता हो और आपके इंटेस्टाइन भी ड्राई रहती हो, तो ऐसे समय में हरड़ का प्रयोग करने से पहले उसको एरंडी के तेल में या तो देसी गाय के घी में अच्छी तरह भूंज लेना चाहिए। उसके बाद उसका चूर्ण बनाना है और फिर उसका यही प्रयोग आप कर सकते हैं, इसी प्रकार के प्रयोग जो पहले मैं बता चुका हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हरड़ के ये प्रयोग पसंद आए होंगे। ये प्रयोग लंबे समय तक बगैर किसी नुकसान से कर सकते हैं जो हमारे कब्ज को जड़ से ठीक करते हैं। जी हाँ, ये प्रयोग आप लंबे समय तक कर सकते हैं। आपके और कोई भी प्रश्न हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। और अपने और जो लोग आयुर्वेद में और भारतीय परंपरा में विश्वास करते हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। नमस्ते।